महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से देश के क्रांतिकारी एवं महान सपूतों को याद कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने कहा कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु सुखदेव और शहीद भगत सिंह, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी थी और गोरों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारी युवा पीढ़ी तक महात्मा गांधी एवं आजादी के महान क्रांतिकारी नायकों के बारे में उनके विचार पहुंचाने की महती आवश्यकता है। इस मौके पर केजी गुप्ता, राजेश, नाहर सिंह गुर्जर, सत्यनारायण सिंह, ओम प्रकाश अरोड़ा, धर्मेंद्र, अतुल नाथ योगी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। हमारे वीर नायकों को राजगुरु भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक भारतवासी जिन्होंने हमें सहयोग दिया, जिन्होंने आजादी में सहयोग दिया, उन सब का पाठ्यक्रम बना करके और बच्चों तक, भारतीय जनता तक इसका प्रचार और प्रसारण कराया जावे और समस्त भारतवासी भविष्य में भी जब कभी कोई भी ऐसा आंदोलन हो या प्रकृति की कोई राह खुले तो सब उसमें सहयोग दें और भारतवासियों को आजादी दिलाने वालों जो व्यक्ति हैं उन सभी के हम नमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने कायराना तरीके से निर्दोष होते हुए भी आज फांसी की सजा का वारंट सुनाया था। ऐसे महान क्रांतिकारियों को हम सभी गांधी के चलाए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग उन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इस अवसर पर मैं सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं किस तरीके से आज़ादी हम लोगों ने प्राप्त की है। हमारे आज़ादी के नायकों के बारे में सभी को जानने की आवश्यकता है। समस्त युवा साथियों को, जो नए लोग आ रहे हैं, युवा पीढ़ी आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी के नायकों के बारे में पढ़े। किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने, रामप्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह जैसे व्यक्तियों ने हमारे देश को आज़ादी की सांस के लिए प्रेरित किया है। अंग्रेजी हुकूमत को जिस तरीके से भगाया गया है उसके बाद लगातार हिंदुस्तान प्रगति के पथ पर जा रहा है। आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा संदेश जन जन तक पहुँचे किस तरीके आज़ादी से हमारे लोगों ने उत्प्र